स्टूडेंट्स, कल हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स हैव फॉर्म्स कॉल्ड टेंसेस दैट टेल अस व्हेन द एक्शन हैपेंस। वर्ब के भी कई सारे फॉर्म होते हैं, मैंने बताया था V1, V2, V3, ये सब वर्ब के फॉर्म होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, किस काल का है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शन और इवेंट हैपनिंग इन द प्रेजेंट। और हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात तब करते हैं जब कोई कार्य या इवेंट वर्तमान में हो रहा हो, जैसे कि वह जा रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट में जा रहा है। अगर वहां रहता है, एग्जाम्पल में ही, वह नहीं जा रहा था, तो ये पास्ट टेंस हो गया, ही वॉज नॉट गोइंग। तो पास्ट टेंस में हमेशा वाज का प्रयोग होता है और प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग होता है यूजुअली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द एक्शन हैपन रेगुलरली वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई एक्शन रेगुलरली होता है, नियमित तौर पे होता है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं। जैसे कि संडे एक होलीडे है, संडे इज अ होलीडे, क्योंकि संडे रेगुलरली होलीडे होता है हर सप्ताह, इसलिए इस ऐसे शब्द को हम लोग, ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज ऑफ स्टेट फैक्ट्स। और सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर कोई फैक्ट है, जैसे द अर्थ इज राउंड, ये फैक्ट है कि पृथ्वी गोल है, तो इसको हम लोग, इसको भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। द सन इज हॉट, द अर्थ इज राउंड, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये जो सारे हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में आएंगे। एड एस और ई एस विथ सिंगुलर नाउन। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन यानी ही, सी, इट या भी किसी पर्सन का नाम, तो हम लोग उसमें, उस वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। जैसे देखिए, रीड द पिक्चर स्टोरी पढ़ते हैं। मिसिस एंड मिस्टर पॉल लव देयर गार्डन। मिसिस एंड मिस्टर पॉल जो है अपने बगीचे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दे कीप इट क्लीन एंड ब्यूटीफुल, वो उसे साफ और सुंदर रखते हैं। देखिए वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एवरी डे मिस्टर पॉल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू द रिवर नियर बाई। और जब भी वो रोज सुबह मिस्टर पॉल उठते हैं, सुबह में एकदम जल्दी उठते हैं, आप लोग भी जल्दी उठते होंगे, वैसे ही सुबह में जल्दी उठना चाहिए, तो मिस्टर पॉल भी सुबह में जल्दी उठते हैं और वो बगल के नदी के पास जाते हैं। और क्यों जाते हैं? ही ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द रिवर एंड वाटर्स द प्लांट। वो वहां से पानी लाते हैं, नदी से पानी लाते हैं और प्लांट्स को पानी देते हैं, उसमें डालते हैं। लेटर मिसिस पॉल ऑल्सो ज्वाइन हिम। और बाद में मिसिस पॉल भी आती है और उन्हें ज्वाइन करती है। बोथ वाटर द प्लांट टुगेदर, और दोनों साथ में प्लांट को, पौधों को पानी देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टोरी था। अब एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अब स्टोरी के अनुसार इसका आंसर देना है। What do Mrs. and Mr. Paul do in the garden? वो गार्डन में क्या करते हैं Mrs. and Mr. Paul? तो वो लोग यहां आंसर दिया है, water the plants together। तो यहां हम लोग लिख देंगे water the plants। वो लोग क्या करते हैं? पौधों को पानी देते हैं। Who goes to river nearby? बगल के नदी के पास कौन जाता है? तो Mr. Paul जाते हैं। Who brings water from the river? पानी कौन लाता है नदी से? तो वो भी मिस्टर पॉल ही लाते हैं। ठीक है, बी नंबर देखते हैं। Fill in the blanks with a verb from the story। एक verb जो कि स्टोरी में, उसे भरना है। Mrs. and Mr. Paul their gardens। तो यहां हम लोग लिख देंगे loves their garden। Mr. Paul dash up early every day, gets up। देखिए मैंने बताया था कि जब भी सिंगुलर नाउन हो या किसी का नाम हो, तो हम लोग एस या ईएस लगाते हुए, इसीलिए गेट में एस लगाकर गेट्स बना दिया गया है। मिस्टर पॉल गेट्स अप अर्ली एवरी डे, मिसिस पॉल वाटर्स द प्लांट।
वाटर्स, डब्ल्यू ए टी एस, वाटर्स मीन्स होता है पानी देना, पौधों को पानी दिया जाता है ना ताकि वो हरे भरे रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट और पढ़ेंगे। थैंक यू।